बीकानेर से खबर, जहां पर संभागीय आयुक्त ने देसलसर कैंप का औचक निरीक्षण किया और आपसी राजीनामे से विवादों का निपटारा किया। ग्राम पंचायत देसलसर में आयोजित हुई लोक अदालत में 114 प्रकरणों को सुलझाया। बुद्ध पूर्णिमा पर गांव में लोगों ने दान पुण्य किया और मुख्य बाजार में शिकंजी बनाकर गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश की। रावबाला में खेल मैदान के पास में 7 AM जाने वाली 11,000 वोल्टेज लाइन का तार टूटने से जमीन पर कचरे में आग लग गई। बीकानेर के लाखावास में ग्राम पंचायत लाखासर में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीकानेर के तोलियासर गांव में सरकारी अस्पताल कभी वक्त पर नहीं खुलता, अस्पताल जिससे लोगों को यहां पर परेशानी हो रही है। वक्त बेवक्त अस्पताल पर ताला लगा दिया जाता है, गांव से दूर दराज में जाकर लोगों को इलाज करवाना पड़ता है। दौसा के बसवा थाना इलाके में ट्रॉले ने पुलिस गश्ती दल की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में एक ASI समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर नगरियावास गांव से लौट रही बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिहारीपुरा गांव के पास पलट गई। हादसे में 15 बाराती घायल हो गए, जिन्हें पुलिस लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस ने भर्ती करवाया। दौसा में मजदूरी करने जिला मुख्यालय पर आई एक महिला ने ठेकेदार पर छेड़छाड़ का मामला महिला थाने में दर्ज करवाया। दौसा में भीषण गर्मी के बाद में सिकंदरा, अचलपुरा, गीजगढ़ सहित करीब आधा दर्जन गांव में बारिश के साथ ओले गिरे। मांडल के रावा का खेड़ा ब्यावर भीलवाड़ा मुख्य मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लगी, जिसके बाद में कार सवार 2 युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार आसन से भीलवाड़ा की तरफ जा रही थी, आग लगने के पीछे का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। बागवासा चार भुजानाथ मंदिर में चोरी हुई मूर्ति को जहाजपुर पुलिस ने ग्रामीणों को सौंप दिया है। मूर्ति मिलने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। रायला रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायल इरॉन्स में चंबल प्रोजेक्ट में काम करते हैं। घायलों की गंभीर हालत के चलते उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया। चौथ का बरवाड़ा में मीना समाज की धर्मशाला परिसर में योगी समाज का 8वां जिला स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने केंद्र एवं राज्य सरकार की 2 सालों की उपलब्धियों और टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की किताब का विमोचन किया। बोली पंचायत समिति के भैनोली गांव निवासी अभिषेक मीणा का IAS में चयन होने पर ग्रामीणों की तरफ से अभिनंदन समारोह मनाया गया। बालियर स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, जहां मरीजों को नियमित डॉक्टर नहीं मिलने पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से चिकित्सक नदारद हैं, यहां सिर्फ एक नर्सिंग कर्मी मौजूद रहता है, ऐसे में गांव के आसपास से आने वाले मरीजों को अस्पताल में उपचार नहीं मिल पाता। मजबूरन मरीजों को झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा है, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। SBJ बैंक ने एक समारोह आयोजित कर सवाईमाधोपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन काम करने वाली शाखाओं के काम की समीक्षा की और बीते सत्र में श्रेष्ठ काम करने वाली शाखाओं को सम्मानित किया। समारोह के दौरान महाप्रबंधक नेमिराज ने राज्य सरकार की जल स्वावलंबन योजना के लिए बैंक की तरफ से दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की मदद का भी जिक्र किया। बायतू के कानूर सरहद पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक युवक घायल हो गया, घायल को बालूतरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। कूड़ामलानी रागेश्वरी थाने से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर एक स्विफ्ट कार ट्रेलर से टकरा गई, हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार रामदेवरा से दर्शन कर वापस गुजरात लौट रहे थे, घायलों को फिलहाल गुजरात रेफर किया गया है। हुलियाकला उपखंड में बाल विवाह का मामला सामने आया है, नवविवाहित नाबालिग जोड़े धनोट माता शक्तिपीठ पर धूप देने पहुंचे। पचपदरा के कालाभाटा सरहद पर 2 दिन पहले कार की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार ने जोधपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखने के लिए CMHO अतिरिक्त CMHO ने CHC PHC समेत कई सेंटर का निरीक्षण किया। मंडरायल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने आवास पर ही जन सुनवाई शिविर का आयोजन कर लोगों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया। सिरोही के अनादरा में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूर्णाहुति दी गई। कार्यक्रम में 8 गांव के गोरवाल समाज के करीब 1,000 लोगों ने हिस्सा लिया, इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। सिरोही के सनवाड़ा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत काश्तकारों को बिना जानकारी दिए मेड़बंदी करने का मामला सामने आया है। काश्तकार ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि
उनके बिना अनुमति के खातेदारी भूमि को खोदकर खेती की भूमि पर गलत तरीके से मेड़बंदी की गई। पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत चार गादिया में नीमड़ी में खाद्यान्न भंडार गोदाम और पनघट योजना का शिलान्यास पूर्व विधायक ने किया। मासलपुर में उपरेला में हाई वोल्टेज की बिजली सप्लाई प्रवाहित होने से घरों में बिजली करंट दौड़ गया, अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बिजली बोर्ड का स्विच बंद करते समय एक महिला की मौत हो गई, एक और महिला इसमें झुलस गई। हिंडौन सिटी के गावड़ा मीना गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसको लेकर गांव वालों में खासा उत्साह। मासलपुर में वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे वन्य जीवों की गणना के लिए अभियान चलाया गया, जिसके लिए मासलपुर जमूरा एवं खेड़ा वनपाल नाका के कार्मिकों ने जलाशयों के किनारे बैठकर वन्य जीवों की गणना की। हिंडौन सिटी के फुलवाड़ा गांव में स्थित गोपाल गौशाला में FSC फाउंडेशन स्कूल के छात्र छात्राओं ने श्रमदान किया है।